मंच और अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के बैनर तले एकजुट हुए हैं। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखलाक से शुरू हुआ हत्याकांड लगभग 129 मुसलमानों का हत्या होते होते आज तबरेज अंसारी तक पहुंच गया है। सरकार एक्शन लेने के बजाय उनके पक्ष में जुलूस निकालती है तो उनका केस लड़ती है, मगर उनके एक्शन कुछ नहीं लेती। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतेंगे, या इस तरह हमारी हत्या करके अल्पसंख्यकों की विश्वास जीती जाएगी। हम एक बात कहते हैं, ये मॉब लिंचिंग नहीं है, ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये मुसलमानों का पॉलिटिकल मर्डर है। अगर ये पॉलिटिकल मर्डर नहीं रहता, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल मर्डर नहीं रहता तो इसके पीछे एक विचारधारा, एक पार्टी और एक वर्ग के लोग काम नहीं कर रहे होते। आज जो हो रहा हत्या मुसलमान और दलितों का, इसके पीछे एक सोच काम कर रही है, एक आरएसएस की सोच काम कर रही है, जिसके शिकार मुसलमान और दलित देश में बराबर हो रहे हैं। एक तरफ मोदी स्थिति कह रहे हैं कि हम ट्रिपल तलाक लाकर मुसलमान औरतों को बचाना चाहते हैं, दूसरे तरफ तबरेज और उनके जैसे 34 लोगों को हत्या करके यही मोदी सरकार देश के मुस्लिम औरतों को, दलित औरतों को बेवा बनाने का काम कर रही है। इसमें हम चाहते हैं कि सरकार आरएसएस पे तुरंत बैन लगाए, क्योंकि जितनी भी आज तक मॉब लिंचिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं से आरएसएस और उसके ही शाखाओं का काम रहा है। अगर आरएसएस पे बैन नहीं लगता है तो ये देश का हालत सीरिया से भी बदतर हो जाएगा। यहाँ अभी तक हालत जो है समाज इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ का मुसलमान सहनशील है, यहाँ का दलित सहनशील है। सहनशीलता जिस दिन खत्म हुई, ये देश बंजर हो जाएगा। सजा लेकर आज जल्दी नवीन भाई, मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पे जल्दबाजी दिखाई, उससे कहीं ज्यादा जल्दबाजी। अगर ये दिखाती कि जो मॉब लिंचिंग हो रहा है उनको फांसी देने का कानून लेकर आती, फिर आज मॉब लिंचिंग नहीं होता, इतने लोग नहीं मारे जाते, इतनी औरतें बेवा नहीं होती। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार लिंचरों को फांसी की सजा दे और उनके विवाहों को नौकरी और 1 करोड़ कम से कम रुपया दे।